हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय जय में। दोस्तों आइए देखते हैं आज के लपट गया। आप देख लीजिए, हमने सोचा सीधी पतंग तन के आ जाए कि किस तरह से ये राउंड हो रही थी, और हमारे सामने चार मंजिल का घर जो है खड़ा हुआ, ये देखिए। और इतनी अर्रा रही थी कि बहुत मुश्किल से संभल पा रही थी, और उसको जो है हम किस तरह से उतार रहे थे, आप देखिए किस तरह धीमे धीमे करके, ये देखिए किस तरह मुश्किल से उतार रहे थे। लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा राउंड थी कि वो नीचे पतंग जो है वो गिरती जा रही थी, उठ ही नहीं रही थी, क्योंकि इतना ऊंचा मकान है। उसके अलावा जो है हम कितना ऊंचा करके उसको उतारे, चार मंजिल तो ऊपर सामने खड़ा है। आप देखिए किस तरह से हम लपटा के उतार रहे हैं। और ये हमारी कल वाली पतंग है, वो पतंग ही हमारी महीनों से जो है ज़्यादा, दो महीना हो गया होगा इस पतंग का। और लाली भाई के हाथ का ये पौना पतंग है जिससे हम लपटा रहे थे, ये देखिए। और ये पतंग जो है बगल में नीचे चली गई, अब वो फंस गई, उसको फिर से हम अपनी पतंग को लंबी कर रहे थे, हवा तेज़ थी जो जल्दी से लंबी हो गई थी, और फिर उसके बाद खींचा, फिर पतंग उठ के फिर नीचे चली गई। ये देखिए, समझ लो कि एक हमारी जा के पतंग वापस आई है। वो साइड से हमें थोड़ी थोड़ी सी दिख रही थी, क्योंकि रोड के साइड पे से पतंग जो है दिख रही थी, तो हम किसी सूरत से उसको फिर से उठाया, थोड़ा थोड़ा करके उठाया, फिर से ऊपर उठी, फिर से वो नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए कैसे हमारे भी उसी में अर्राना शुरू कर दी सब पतंग। हमारा अगर पतंग सीधा होता तो वो आसानी से उतर आती, ये देखिए किस तरह से लपटा के, ये देखिए एकदम राउंड हो जाती। अगर ये उड़ जाती तो हमारी नीचे चली जाती है, क्योंकि हमारा पौना पतंग है, लोड़दार पतंग था वो, हमारा नीचे जब हो तो वो भी साथ में डूब जाती थी। तो जो जिस पतंग से हम लपटाए हुए हैं आगे वाले को, वो हमारा वाला जो है पीछे वाला, वो पौना पतंग है सफ़ेद पत्ते का, और वो हमारे लाली भाई के हाथ के देख रहे हैं, बच गए नहीं तो अभी हम उसी बिल्डिंग में फंस जाती पतंग। ये देखिए कैसे उतार रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे उतार रहे हैं, ये देखिए तुम आ जाओगी, बहुत मुश्किल से उतार के लाएँ, और इसमें पट हो गई, ये देखिए छत के ऊपर पट हो गई, लेकिन बच गई बहरहाल किसी सूरत से ले आए। फिर हम जो है इसके बाद दूसरी पतंग भी जो है, अभी देखिए दूसरी पतंग कैसे फिर से हम जो है लपटाएंगे, फिर से देखिए दूसरी पतंग, ये देखिए लपटा के हम उतार रहे हैं। और चूँकि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से हम किस तरह मोड़ के लपटा रहे वो चीज़ जो है नहीं दिखा पाए थे, लेकिन ये दूसरा पतंग आप देखिए, वो दाएँ अर्रा रही थी, ये बाएँ जा रही है, ठीक है। और बहुत संभाल के इसको उतार रहे थे, लेकिन हवा तेज़ी की वजह से वो पतंग बार बार राउंड हो रही थी, और इसका मंझा जो है वो आगे लटक रहा था। इसकी वजह से पतंग जो है बार बार राउंड हो जा रही थी ना, तो क्या होता है कि तेज़ हवा की वजह से अगर झटका लगता है तो वो टूट के चली जाती है। और ये हम बहुत आराम से इसको उतार रहे थे, और आपको दिखाते हैं इसको उतार रहे हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखिए, ये एकदम जब कम पे आती है तो उसके बाद ये जो है हमारे ख्याल से टूट गई थी, या कि कई पतंग हमने लपटाई थी तो उसमें से ये भी एक पतंग, एक तो हम ले आए थे आप लोगों ने देखा था, ठीक है। और इसको भी धीमे धीमे करके उतार रहे, देखते हैं आप आती है कि नहीं, चूँकि बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतार रहे थे, एक पतंग चली भी गई थी। ये देखिए इसको हम जो है उतार रहे हैं धीमे धीमे, ये देखिए हमारे ख्याल से ये वाला पतंग आ गया था, और ये पौना पतंग है, ये जो जिस पतंग को हम लपटाएं वो पौना पतंग है, और वो पट्टीदार अखियाला पतंग है, बहुत शानदार पतंग है, स्टार यानी कि जो चांद तारा, वो तारा बना हुआ ऊपर ये ले आए। इसका इतना मंजा अच्छा था कि हमने गीट बांध के मंजे को लंबी किया, और फिर इसको हम जो है लटाई के ऊपर धीरे धीरे करके उतारेंगे। अभी आप देखिएगा, ये गिट्टी बांध रहे हैं हम इसको, और ये बांधा गिट्टी, और इसको जो है ये धीरे धीरे करके लंबी करें, चूँकि मंझा बहुत अच्छा है। और ये हमारे ख्याल से दानिश खान की पतंग थी, ये देखिए अपनी लटाई पे हम इसको उतार रहे हैं, अपनी लटाई पे हम इसको जो है, चूँकि जो है बहुत अच्छा मंझा था तो हमने इसको लंबी करके हमने कहा लटाई पे उतार लें, नहीं तो ये मंझा ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे ख्याल से शायद दानिश खान की पतंग लग रही है, या हो सकता है किसी और की हो, बहरहाल पतंग उनके ही
मन का है, तो क्योंकि कल लड़ा रहे थे तो वो कट गए थे दो पतंग, हम इसको जो है लपटा के आसानी के साथ दोस्तों ये वाली लपटा के उतार लाए थे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पतंग है ये। ये देखिए ये आ गई, ये पतंग आ गई है और काफ़ी अच्छा पतंग था दोस्तों ये। ये देखिए देख रहे काला है, काले से ही पट्टल बना हुआ है, दो कलर है, एक डार्क के घर का और लपटाग उतारा। अब ये देखिए तीसरा पतंग हम उतार रहे हैं, चूँकि आगे वाला बहुत कम डोर मतलब जो है आगे पतंग है, इसके वजह से वो हमारे जो है कन्ने के पास से वो झटका खा के चली जाती, क्योंकि उसकी मंझा जो है नीचे लटक रहा है और उसकी डोर के ऊपर ही मंझा पड़ा हुआ, तो ये पतंग आ नहीं पाई थी पूरा हमारे तलक, लेकिन लपटी सही थी, लेकिन चूँकि मंझा उसके मंझे के ऊपर पड़ा हुआ तो मंझे का लोड ज़्यादा, तो उसी मंझे से धार लग के चली गई, एकदम करीब आगे चली गई थी दोस्तों। ये देखिए चली गई झटका खा के, क्योंकि हवा तेज़ थी और लोडदार पतंग था तो इसकी वजह से। और एक देखिए बाएं तरफ भी ये पतंग तना हुआ है, ये देखिए ये जो है ये एक पतंग दोस्तों आ रही थी पीछे से और हम बहुत तेज़ी से पतंग को अपनी उस तरफ से मोड़ा था। बहरहाल ये देखिए ये सब पतंग जो आया था उसमें से एक पतंग इसमें हमने नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत अच्छा पतंग था और बहुत शानदार पतंग था दोस्तों। ये देखिए तौकल पतंग भी था, यानी बहुत सारी पतंगें हमने, ये देखिए पौना पतंग है और वो